लुक्स। तो इससे पहले कि हम कम्युनिकेट करें, हम बातचीत करें, हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाएं, उससे पहले आता है आवर लुक्स। सो सारे के सारे पैरामीटर्स जो कहीं ना कहीं इस पर डिपेंडेंट रहेंगे लुक्स के ऊपर, जो सबकॉन्शियस माइंड को हिट करने वाले हैं, वो सारे के सारे हमें उसमें चेंज करने पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इनको भी हमारी कम्युनिकेशन के अंदर खींचेंगे। सो दिस इज द प्री कम्युनिकेशन पार्ट। नाउ लेट्स कम टू द कम्युनिकेशन पार्ट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन, जैसा कि अभी अपनी बात हुई थी कि कम्युनिकेशन सभी करते हैं, अपने वर्ड्स को, अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज इफेक्टिवली दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। और जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करेंगे, तब हमें कहीं ना कहीं इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा कि उस पर्सन के साथ, उस पर्सन की कैपेबिलिटी क्या है। देर आर टू थिंग्स। नंबर वन, कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। सो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक वो जो बोल रहा है और दूसरा जो कि रिसीव कर रहा है। अगर बोलने वाला बहुत तेज बोलेगा और सुनने वाला उसको ग्रास्प नहीं कर पाएगा तो भी प्रॉब्लम है। सुनने वाला बहुत तेज ग्रास्प कर रहा है और बोलने वाला बहुत धीरे बोल रहा है तो भी उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी और वो उसको कहीं ना कहीं वो बोरिंग हो जाएगा या कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, तो उसको उसमें इतना आनंद नहीं आएगा। तो जब भी हम बात करेंगे कम्युनिकेशन की, तो ये हमेशा टू वे प्रोसेस है, जिसमें कि एक जो कि देने वाला है और एक जो लेने वाला है, उन दोनों की फ्रिक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। और जब भी हम बात करते हैं फ्रिक्वेंसी को मैच करने की, तो ये एक अच्छे स्पीकर की पहचान है कि वो अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करना है तो उनके लेवल पे जाके बात करेंगे। अगर उनके स्पीड के साथ मैच करके बात करेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा, वो ज्यादा फायदेमंद होगा और वो चीज उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। सो दिस इज कम्युनिकेशन, जो कि आप आइडियाज कम्युनिकेट कर सकते हो, आप अपने थॉट्स कम्युनिकेट कर सकते हो। नाउ ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन पर्सनैलिटी। तो जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं, जो भी पर्सनैलिटी रिलेटेड थिंग्स हैं, वो सारी की सारी इसके अंदर शुमार होती है या उसके अंदर शामिल होती है, जिससे कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। हेलो हेलो, जी सर, बोलिए, आवाज आ रही है आवाज? आपकी? जी, यस सर, आपकी आवाज आ रही है। गुड इवनिंग मैडम, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। सर, मैं एक सवाल मैंने इसलिए चालू किया कि जैसे आप बोल रहे हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अभी मेरे पास एक बड़ा अच्छा वीडियो आया, तो वो वीडियो को ही ध्यान में रख करके मेरे को दिमाग में आया कि देखिए सर, एक अभी जो आप ऑनलाइन मोड में होंगी क्लासेस आज जी 17 तारीख से, तो आप बोलते रहिए, बच्चा वीडियो ऑफ करके म्यूट करके क्या कर रहा है मालूम नहीं है। अब बिल्कुल हम ऐसे में अपने आप को कितना इफेक्टिव और कैसे बनाएंगे सर? एक तो ये, दूसरा क्या हमारा बोलना और हमारा उनके साथ इंटरैक्शन इन बच्चों को कुछ सिखा पाएगा? इफेक्ट के हिसाब से बात कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एक टीचर तभी एक पूरा टीचर बन पाता है जब वो इफेक्टिव हो, उसका बोलना बिल्कुल इफेक्टिव हो, है ना सर? ये तो आप और हम लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, जितने टीचर्स यहाँ बैठे हैं सब उसको अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन क्या हमारा इफेक्ट जो है मोनोटोनस नहीं हो जाता है इसमें? तो इस मोनोटोनी को भी एक बार आप थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा कि मैम ये मोनोटोनी अपन कैसे ब्रेक करें कि जिससे कि बच्चा बिल्कुल कंपल्सरीली अट्रैक्टिव होके वहां पहुंच जाए। थैंक यू सर। बिल्कुल आप चलाते मैडम, सबसे रहिएगा और पहले, बीच में आप अभी भी उसका जवाब, अभी जवाब हाँ तो मैं जरूर सबसे मिला पहले तो दे उसी का दीजिए। जवाब, सबसे पहले मैं उसी का जवाब दूंगा। यस सर। बेसिकली मैडम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन मोड, सो ऑनलाइन मोड में अगर हमें इफेक्टिव होना है
या उनके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना है तो आवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट मीन्स हमें उसका ऑडियो और वीडियो जो है वो किसी भी टाइप से चालू तो रखना ही पड़ेगा। अगर उसका हमारे साथ कम्युनिकेशन नहीं होता, भले ही हम उसको शुरुआत में कुछ ऐसा सर्व करें जैसे कि जोक्स टाइप की चीजें हो गई या फिर कोई ग्रीटिंग्स टाइप की चीजें हो गई जिसके लिए कि वो खुद भी रिस्पॉन्ड करे और हम भी उसको उस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करें, ताकि जो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो पाए। एक सेशन तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब तक कि वो इंटरेक्टिव ना हो। अगर वो इंटरेक्टिव होता है तो ही वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो अगर हम उस वीडियो को या ऑडियो को उसके साथ कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर पाए और उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और जितना इफेक्टिव वो बन सकता है वो तभी बन पाएगा जब वो एक बार बोलना शुरू करेगा। अगर भले वो उसका वीडियो ऑफ रखे लेकिन कम से कम ऑडियो भी अगर उसने ऑन रखा तो हमने आधा किला तो फतेह कर लिया। अगर ऑडियो भी बंद रखा हुआ है केवल हम बोलने जा रहे हैं और वो सुन रहा है तो शायद हो सकता है थोड़ी देर बाद हमको भी लगने लगे कि हमारी आवाज जा भी रही कि नहीं जा रही। इसीलिए मैंने कहा सर कि मतलब एक क्या है कि ये विंटर स्कूल में जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के या बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है कि हम क्या कम्युनिकेट करें जिससे बच्चा जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा सीख पाए उस समय जबकि अब ये ऑनलाइन हो जाएगा वापस सब कुछ। तो बच्चे आगे के प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसी स्लाइड्स भी हैं जो हमारे टीचर्स के लिए भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। और तो पर्सनैलिटी तो सभी के लिए एक बहुत बड़ा ज्वलंत विषय है, है ना। और मैंने जो भी कलेक्ट किया है उस सारे कलेक्शन में कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जो कि मतलब इंडिविजुअली हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट भी है और मेरे हिसाब से वो होना भी चाहिए। हाँ सर, बहुत जरूरी है। सॉरी सर, आप शुरू रखिए, वो आप बाद में बताते रहिए उसको, लेकिन मेरे को क्वेश्चन आया था वो कम्युनिकेशन तो जरूरी है। हाँ सर, थैंक यू सर, कंटिन्यू प्लीज सर, कंटिन्यू जी। सो लेट्स स्टार्ट विद पर्सनालिटी। सो अगर हम देखें तो पर्सनालिटी इज मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स देम यूनिक फ्रॉम अदर पीपल। अब अगर हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी की तो पर्सनैलिटी जो है वो एक ऐसी चीज है जो हमको यूनिक बना रही है या जो हमको दूसरों के साथ डिस्टिंग्विश कर रही है। आपको आपके सराउंडिंग्स में या आपके आसपास में ऐसे कई लोग देखने को मिलेंगे जिसमें कि आपको ऐसा हमेशा लगता है कि दिस वन इज मोर, दिस पर्सनालिटी ऑफ दिस वन इज मोर अट्रैक्टिव इन कंपैरिजन टू अदर वन। और अगर आप दो लोगों को कंपेयर करेंगे तो आप कह सकेंगे कि इसकी पर्सनालिटी ज्यादा बेहतर है, इसकी पर्सनालिटी कम बेहतर है। जैसे कि अभी अपन बात कर रहे थे जहां पर मैंने छोड़ी थी कि फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको नहीं बदला जा सकता। So, हमारे हाथ में जो चीजें हैं वो है हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस के साथ में दूसरा चीज आता है वो है हमारा मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अगर हम बात कर रहे हैं एक आदमी जो कि नेगेटिव बात करता है, हमेशा नेगेटिव बोलता है, हमेशा नेगेटिव चीजें सोचता है और उसके दिमाग में उसी तरह की चीजें चलती हैं, तो उस तरीके के आदमी को हम बहुत ज्यादा हमारे साथ में नहीं रख पाएंगे। थोड़े दिन बाद इरिटेशन होने लगता है वही सारी चीजें सुन सुन के और वो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस क्रिएट करने पे मजबूर कर देता है। तो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स इस चीज को बताते हैं कि आप कितना ज्यादा आदमी को प्रभावित कर पाते हो या किसी भी व्यक्ति को प्रभावित कर पाते हो अपनी सोच से। जब आपकी सोच अप टू द मार्क रहेगी या अप टू द स्टैंडर्ड रहेगी तो ही आप कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस कर पाओगे या उसको ये सोचने पे मजबूर कर पाओगे कि यू आर समवन और यू आर बेटर देन अदर वन।
यहाँ पर यूनिक का मतलब है विच इज नॉट इन, ये समझ लीजिए आपकी, जो कि भीड़ में ना हो, जो भीड़ से अलग हो। सोच यूनिक होने का मतलब ये कतई नहीं होता कि हम बिल्कुल ही कोई नया आविष्कार लेके आए या हम कोई नई ही बात करें, मगर वो बात जस्टिफाइड होनी चाहिए या वो बात तर्कसंगत होनी चाहिए। सो आपको कुछ ऐसे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर डेवलप करने पड़ेंगे जो आपको या आपके विचारों को जस्टिफाई करें, और उनको अभी थोड़े समय में अपनी अगली कुछ स्लाइड्स में अपने को पता चलेगा या उसको मैं क्लासिफाई करूंगा कि किस किस टाइप से हम चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। सो पर्सनालिटी, कलर, आवर वैल्यू, बिलीफ एंड एक्सपेक्टेशंस, ये सारी वो चीजें हैं जिनको कि हमें किसी के साथ में शेयर करना है या हमारी पर्सनालिटी जिनके ऊपर बेस्ड होती है आवर वैल्यूज। हम किन सिद्धांतों पर चलते हैं, हम किन सिद्धांतों पर बेस्ड बातें करते हैं, या हम किन सिद्धांतों को लेकर जीवन में आगे चलना चाहते हैं, उनका इफेक्ट, जैसा कि मैंने बताया शुरू में कि कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस ब्रेन, तो सबकॉन्शियस ब्रेन जो है वो इन वैल्यूज को कहीं